नहीं, हम लोग चल रहे, हमने गांव के अंदर, देखो एक बात बोलूं मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि हम लोगों ने भुयारी गडर का मामला हमने बंद करा दिया। ये तो आप मानते हैं ना कि हमने गांव के अंदर भुयारी गडर का काम करने नहीं दे रहे। क्यों करने नहीं दे रहे? कि वो करप्शन कर रहे हैं ना, उसके अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग को इसका आउटपुट नहीं मिलने आ रहा है हमारे को शहर के अंदर करके। क्योंकि जो गडर अपनी चालू है, वो गडर जब चालू रहेंगी तो मकसद क्या है दूसरी गडर बनाने का? इसके लिए हमने गांव के अंदर नाकार दिया कि हमको गांव के अंदर अंडरग्रेज गडर नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए खिलाफ में है। कल भी बोले थे, आज हम हमारी बात के ऊपर कायम है, वो बात के ऊपर तो मैं लिटा जाऊंगा। कचरे का तो दिया हूं ना मैंने, लाया ना भाई, लेटर मंगा लिया मैंने उसके बारे में, और मेरी कल निखिल कौर से भी बात हुई, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में भी तकरार करूंगा, उसका लेटर भी तुमको दूंगा। लेने देने वालों ने ले लिया, जिनकी आवाज नहीं निकल रही वो सुन लो कि किसने दिया और किसने दिया नहीं। तो क्योंकि लेने देने वालों की आवाज ही नहीं निकल रही ना, कुछ लोग पार्टनर बन गए, कुछ लोगों ने ले लिया। और मैं लड़ाई लड़ने वाला कचरे के खिलाफ में, मैंने रात को कमिश्नर को 11:30 बजे फोन किया, कचरा उठ नहीं रहा शहर के अंदर। सुबह उठ के वापस बात किया और इकबाल को बुलाकर उसको दम दिया कि अगर कचरा 2 दिन के अंदर पूरे शहर में नहीं उड़ाना तो मैं मंगल के दिन कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा नीचे। तो ये सब चोरी का धंधा, वही चोर लोग थे, सिर्फ नाम बदल के आए, वाटर ग्रेस से इसके अंदर आ गए। वो सिर्फ ये हुआ कि अब कार्ड की जगह पे छाप हो गया और छाप की जगह पे कार्ड हो गया, इतना ही हुआ है। सब वही लोग, उसमें कुछ लोग बढ़ गए, इतना ही फर्क हुआ उसमें, समझे क्या? तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे कार्यकर्ता के साथ में आप लोगों की मदद से हम हर हाल में लड़ाई लड़ने वाले। पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसे कमाने अल्लाह ताला ने बहुत जगह दी हमको, जब पैसे कमाने का शौक छूटेगा ना तो हम बहुत जगह के ऊपर पैसा कमा लेंगे। बाकी ऐसा पैसा नहीं कमाएंगे बच्चों की खिचड़ी का, कचरे के अंदर से पैसा ले लेने का, अंडर ड्रेज में पैसा ले लेने का। लड़ाई जो झगड़ा चल रहा है गांव में, जो रोड के काम नहीं हो रहे तो अंडर ड्रेज के पैसों का झगड़ा है। जो रुका के रखे लीडरों ने, देखो नहीं मिला तो तू रुका रहा, उसको नहीं मिला तो वो रुका रहा, उसकी वजह से सब काम शहर के अंदर ठप है। हमको अब हमारे इलाके में काम करना नहीं है, हम हर हाल के अंदर कुछ भी बोलेंगे या तो काम शुरू करेंगे। हम गडर नहीं बनाने का तो बात खत्म हो गई ना। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, नेहल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। जो प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, इन गरीब बच्चों का मुंह का निवाला यहाँ के लीडरान किस तरीके से छीन रहे हैं। महिला बचत के नाम, गढ़ के नाम के ऊपर यहाँ के लीडरों ने जो ठेका लिया है, आज उनकी पोल खोलने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रधानमंत्री पोषण और शक्ति निर्माण योजना का जो शेड्यूल है, ये लोगों ने हर स्कूल को दिया है, मगर स्कूल वाले उस शेड्यूल को अपने स्कूल के ऑफिस के बाहर, स्कूलों के बाहर उन्होंने लगाना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा खाना मिलेगा बच्चों को। वो रोज पतली दाल और चावल लेकर जा रहे हैं, बच्चों को वही खिला रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने मैंने शेड्यूल जो बना के लाया हूं, मैं समझता हूं कि शेड्यूल के ऊपर आप पत्रकार लोग इसको बहुत सारा फोकस करेंगे और आपके पहले पन्ने के ऊपर किस चीज को जगह देंगे, क्योंकि ये गरीब के बच्चों का खाने का निवाला यहाँ के लीडरान छीन रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपको बुलाया। जो पीर का रोज होता है, बरोस पीर, उस दिन इन लोगों को मूंग की दाल, चावल और खिचड़ी का देना चाहिए। मंगल के रोज चावल और मटर की घुघरी देना चाहिए। बुध के रोज चावल और मटर की घुघरी देना चाहिए। जुमेरात के रोज तुअर दाल और चावल देना चाहिए। जुमा के रोज चावल और चने की घुघरी, और शनिचर के रोज चावल और चौली की घुघरी देना चाहिए। उसके बाद महीने का पहला बुध के दिन फल फ्रूट देना चाहिए। जो एक बच्चे को 100 ग्राम फल फ्रूट मिलना चाहिए, ये उसका शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। महीने का दूसरा बुध छोले का लड्डू, खिचड़ी 60 ग्राम, 30 ग्राम गुड़ और 30 ग्राम छोला मिलाकर इनको ये देना चाहिए। महीने का तीसरा बूथ राजगिरे का लड्डू बड़ी साइज का और 20 ग्राम एक का एक नग देना चाहिए। महीने का चौथे बूथ को खजूर 50 ग्राम बच्चों को देना चाहिए।
और महीने का पांचवा बुध फल फ्रूट 100 ग्राम इसी तरीके से मिलना चाहिए, मगर मालेगांव शहर के लीडरानों ने खिचड़ी का ठेका ले लेकर रखा है और ये बच्चों को सिवाय पतली दाल और चावल के सिवा कुछ नहीं दे रही है। ये शहर की आवाम को ये पालक लोग को जागरूक करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया कि इस तरीके के यहाँ के लीडरान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा था कि यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का 3 टेंडर है, शेख आसिफ साहब का टेंडर है और मुस्तकीम डिग्निटी साहब का टेंडर है। यहाँ के तमाम लीडरों ने टेंडर लेकर रखा है और इसकी कार्रवाई अगर हम लोगों ने यहाँ पर आपके जरिए बोलना चाहेंगे कि यहाँ के हेडमास्टर लोगों को भी मैं आपके जरिए से इंतबाह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके का शेड्यूल आया है अगर उस शेड्यूल के मुताबिक आप पका के नहीं लेंगे तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वहां के हेडमास्टर रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी है कि पका के क्या मंगाना चाहिए, शेड्यूल के हिसाब से अगर खाना नहीं आता है तो उन्होंने वापस करना चाहिए। हम लोग एक एक लिए लेटर और जो उसका एसएससी अपने स्कूल बोर्ड से हम लोगों को जो जीआर मिला है उस जीआर की कॉपी मैं खुद सब स्कूलों के अंदर मेरे लेटर के साथ पहुंचाऊंगा और अगर उसके ऊपर इन लोग ने अमल नहीं करे तो वहां के हेडमास्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। ये बात हेडमास्टर लोगों ने नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेडमास्टर की है। वो जैसी रिपोर्टिंग करेगा उस तरीके का उनका बिल बनता है। मैं समझता हूं कि चोर जो है खिचड़ी चुराने वाला वो 10% अगर जिम्मेदार रहेगा तो 90% हेडमास्टर को मैं जिम्मेदार पकड़ूंगा। और ये लेटर हम हर स्कूल के अंदर हर स्कूल वाइज के ऊपर मेरा लेटर पहुंचाएंगे, लेटर के साथ जीआर की कॉपी रहेंगी और जिस दिन उन्होंने बाहर लगाना चाहिए कि आज ये पक्के आने वाला है क्योंकि बच्चे को माँ बाप को भी मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे बच्चों को क्या मिलने वाला है। पहले गवर्नमेंट ने चावल की स्कीम दी थी वो अच्छी थी कि घर वाले भी चावल खा लेते थे मगर उनका पेट गरीबों का ना भरते हुए यहाँ के अमीर ज्यादा जो यहाँ के ये लीडर लोग हैं ये अपना पेट भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का पेट भर रहे हैं। तो इसके लिए हमने आज आपको बुलाया हूँ, इसके लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा शहर की गरीब आवाम को बताना है आपको कि ये चीज आपके बच्चों को खिलाई जाएंगी और आप लोगों को ये इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। जिस वक्त खिलाई जाती है तो उस वक्त आप स्कूल में विजिट भी करेंगे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम है कि आपको जरा जाके? बिल्कुल है, मैंने अभी सबसे पहले मेरे घर के पास की जो स्कूल है खंडेलवाल स्कूल के तीनों हेड मास्टरों को बुला के बोल दिया कि मुझे शेड्यूल के मुताबिक खाना मिलना चाहिए नहीं तो मैं आऊंगा और आऊंगा तो एओ को भी बुलाऊंगा और कमिश्नर को भी बुलाऊंगा। हर हाल में मैं स्कूलों में जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बच्चे लोगों का मुंह का निवाला यहाँ के लीडरान छीन रहे हैं, ये सिर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पर पैसा मिलता है वहां की लड़ाई लड़ रही है, कोई रोड की लड़ाई लड़ रहा है, कोई गटर की लड़ाई लड़ रहा, तूने ये किया तूने वो किया, बस ये दूसरे इन्होंने 10 साल यानी आज 35 साल के बाद लोग न्याय जाग बोलते थे कि 35 साल के इकतदार में कुछ नहीं किए, उसके बाद इन्होंने भी 35 साल उसके बाद राज किया, उन्होंने भी एक शहर के अंदर कुछ नहीं किया। ये लड़ाई एक दूसरे को सिर्फ बोलने पे कर रहे हैं। सब ने अपना गिरेबान झाँकना चाहिए कि तुम लोगों ने शहर के अंदर अपना कि अपने ने क्या किए, इन लोगों ने शहर के अंदर कुछ नहीं किए, शहर को खंडर बनाया। बहरहाल ये विषय अभी उसका नहीं, आज खिचड़ी का विषय है। मैं हर हाल में स्कूलों में जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, अगर वहां पर शेड्यूल नहीं दिखेगा पहले मैं लेटर दूंगा और अगले हफ्ते से कार्रवाई इसके ऊपर शुरू करूंगा। ये मामला बड़ा संगीन है, आप आखिरी दम तक डटे रहेंगे ना किसी तरह की अगर आपको लालच वगैरह कोई देता है? लालच का अगर काम रहता हमने, अभी तुमको एक बात बोलता हूँ मैं, कि तीसरा टेंडर R&D कंपनी का जो भरा गया था उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और ब्लैक लिस्ट की कॉपी हमने नासिक से मंगाई। हमको लालच की जरूरत नहीं है, हमने न कभी 1 रुपया लिया न लेंगे। ये बहुत संगीन मसला है बच्चों का और संगीन मसला नहीं भी रहेगा, करप्शन को करप्शन और चोर को चोर बोलने वाला ही शख्स इजाज़त दे गए तो कोई करप्शन के अंदर की बात नहीं है। हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन करने के लिए नहीं लड़ रहे हम लोग लड़ाई। बेग साहब प्राइमरी स्कूलों की बात तो आप कर रहे हैं, शहर में बहुत सारी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी है, यहाँ पहले से 8वीं तक के बच्चों को खिचड़ी देते, तो हाई स्कूल और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल का भी जरा सा खुलासा करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसके अंदर लिख के दिया, आपको जो कॉपी दे रहा हूँ मैं इसके अंदर लिख के दिया कि प्राइवेट स्कूल भी है उसके अंदर और ये भी है। हम लोग जो है पहले प्राइमरी स्कूल का निजाम सुधारेंगे क्योंकि वहां पर गरीब के बच्चे वहां स्कूल तालीम हासिल करते हैं, पहली पढ़ते KG पढ़ते, उनको आज रहती है हमको यह मिलने वाला है। बहरहाल उनके मुंह का निवाला छीने जा रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए ये करेंगे अपनों को शहर के
वो माँ बाप को जगाना है कि जो के बच्चे स्कूल जाते और अच्छी जो गिजा मिलने वाली है गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर गवर्नमेंट इनके तरीके से अगर इन पे ध्यान नहीं देगी इसका पैसा गरीब तरीके से खाया जाएगा। जो चीज आज गवर्नमेंट का चियार है तुम बताओ कि एक भी स्कूलों के अंदर मिलता है क्या? कभी सुने के कोई स्कूल के अंदर खजूर मिली, कोई स्कूल के अंदर पट्टी मिली, राजगीरे का लड्डू मिला, फल फ्रूट मिला, ऐसा कहीं नहीं है। बहरहाल ये जो है ये पूरी तरीके से ये चोरी कर रहे हैं यहाँ के लीडरान, ये सब इनके अर्घे मुर्गे ही लोग हैं जो टेंडर ले रहे हैं। हम हर हाल में पहले लेटर देंगे, हम दो चार रोज के अंदर हर स्कूल के अंदर लेटर देंगे हेडमास्टर को, पहले इसका इत्तेवा देंगे हेडमास्टर को कि भाई आप लोगों को इस तरीके का ये खिलाना है, अगर आप नहीं ठेकेदार से लेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होंगी, और आप अगर नहीं लाता ठेकेदार तो जो लाता है उसी का बिल बनाकर आप उसकी रिपोर्ट कारपोरेशन को देंगे। मैं इस तरीके का लेटर हर स्कूलों में देने वाला हूँ। देख सर, सभी ठेकेदारों के बिल अभी जमा हो गए, ये आप नई कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पीछे भी स्कूलों में इसी तरीके से बच्चों को खाना दिया गया, नहीं दिया गया, हल्की क्वालिटी का दिया गया, रमजान में खाना मतलब बंद था, उसके बावजूद भी सारे बिल जमा हो गए। क्या उन बिल को रोकने के लिए आप ऑब्जेक्शन लेंगे क्या कि उनके बिल रुकना चाहिए? देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, अभी हम ये जो आज जो हमने आपके सामने जब आए, हम लोग इसका कार्रवाई शुरू करेंगे और जगह के ऊपर एक्शन लेंगे। जो हमारे सामने है वो एक्शन हम समझेंगे हमने लिया, और उसको वहां पर जगह पे पकड़ के एओ को बुलाएंगे, कमिश्नर को बुलाएंगे, और उसको पहले हेडमास्टर से पूछेंगे तुमने ये क्यों लिया, हमारा लेटर देंगे हम लोग, और लेटर देने के बाद से हमारी कार्रवाई शुरू होगी, यहां से अब हमारा काम शुरू होगा। उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि आज हमने नहीं देखा, जो हमको मालूम मिली थी मालूम के हिसाब से हमने जीआर की कॉपी के हिसाब से हम आपको लेटर दे रहे, इस तरीके का लेटर पूरे शहर के अंदर पक के आना चाहिए, ये हम यहां से कार्रवाई शुरू करेंगे।